बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामने। आज 29 जुलाई 2021 जुमेरात का दिन, पढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जाने। एक पिंजरे में इन्होंने दो असील मुर्गी रखी हुई है और इन्होंने कहा कि जी वो अपने वालेकुम सर, मैं इस बात कर रहा हूँ लाहौर से कि मेरे दो सीन मुर्गी हैं, कुछ दिनों से काफ़ी बीमार हैं, जैसे कि अपने टांगों के ऊपर वजन नहीं डालते, तो इसकी कोई मेडिसिन, इसका तो पहले छोटे थे जब मैं लेके आया था तो बहुत अच्छे थे, मेडिसिन एक्टिव थे, अब जैसे ही बड़े हो रहे हैं और अपने टांगों पर वजन नहीं डाल रहे, खाना खाते हैं बहुत कम, दाना वगैरह खाते हैं कम खाते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं ओके। फिर मैंने क्या पूछा उनसे, बीटिंग कैसी कर रहे हैं, सफ़ेद या ग्रीन बीटिंग कैसी कर रहे हैं, ये पिंजरे मैंने वैसे पूछा। ग्रीन और वाइट, मेरी जान ये असल में जब आप लाए थे उस वक्त इनकी एनडी लासोटा से वैक्सीनेशन करनी थी, रानी खेत की के हफास्ती टीके ये आँखों में डालते हैं या इनको ड्रॉप्स पिला देते हैं अब छोटे छोटे बच्चों को ही, फिर ये महफूज रहते हैं, फिर बाद में हर 2-3 महीने बाद फिर आप कर दें या मेरा शेड्यूल मैंने दिया हुआ है, लेकिन आप एनडी लासोटा की वैक्सीन करते हैं तो फिर ये महफूज रहते हैं। अब इन में लगता है जो टांगों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे और सफ़ेद और ग्रीन किस्म की इनके फीसिस या बीटे हैं, तो दैट मीन्स कि इनको हो चुका है अटैक इसका रानी खेत का, न्यूकैसल डिजीज़ इसे कहते हैं। तो इसके लिए एक तो होम्योपैथी के मैं हमेशा से देता आ रहा हूँ और कई दफ़ा मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, आर सैनिकम एल्बम है और दूसरा है रूटा 30, ये दो मेडिसन्स ले आए होम्योपैथी वाले से, कतरे मिल जाएंगे या गोलियाँ, अगर कतरे हों तो 4-4 कतरे 4-4 घंटे बाद थोड़ा सा पानी की सरिंज में ले लें, 4-4 कतरे और पानी में मिला के वो इनको पिला दें, ठीक है मेरी जान, 4-4 घंटे बाद ये दोनों पिलाते रहें, या फिर एक और आजकल में AVI लाइफ एक आई है, AVI लाइफ, AVI लाइफ पे मैंने प्रोग्राम भी किया है, वो भी रानी खेत के लिए, लेकिन ये अभी जब अटैक हो जाए तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि वो होम्योपैथी वाली कर लें, आर सैनिकम एल्बम और रूटा 30, उनके ड्राप 4-4 ड्राप्स वो 4-4 घंटे बाद पिलाते रहें, वे भले सीधे ही मुंह में डाल दें 4-4 कतरे, ठीक है, अल्लाह फजल करेगा, दुआ करूँगा, और उनको हो सके तो दूध में थोड़े में ग्लूकोज मिला के वो भी पिलाएं, सरिंज के ज़रिए ही पिलाएं, दूध में ग्लूकोज, अल्लाह अकबर, दुआ करूँगा अल्लाह ताला ठीक कर दे इनको। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि ठहरे हुए पानी में पेशाब किया जाए, मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें, फ़ीमान अल्लाह।